गुड मॉर्निंग, मैं मुकेश सर। तो हम लोग वर्ड पैड में पिछले क्लास में सीखे थे कि जो भी मैसेज को लिखते हैं उसको अक्षर कैसे बदलेंगे और बोल्ड इटैलिक करना, लाइनिंग करना। साथ में हम लोग सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट भी सीखा गए थे। तो आज हम लोग ये सीखते हैं कि जो हम मैसेज को लिखते हैं पेज में, तो मैसेज लिखने के बाद क्या होता है कि पेज में दाएं बाएं लेफ्ट राइट होता है, या पोएम की तरह कविता। पांचवी क्लास में हम लोग देखे होंगे, या दसवीं क्लास में, या बच्चन का किसी भी प्रकार का कविता किताब हो, उसमें क्या होता है कि कुछ शब्द लिखने के बाद में वहाँ एक फ़ोटो लगा दिया जाता है। फिर यहाँ पर पैराग्राफ छोटा सा लेकर फिर वहाँ पर एक फ़ोटो लगा। वैसे लिखने के लिए वर्ड पैड में हमें किस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ता है, तो आइए हम वो लोग सीखते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कि पहले हम लोग की पेज में क्या मैसेज लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ेगा? मैसेज। ये मान लेते हैं कि ये जो है कोई किसी भी प्रकार का नोटिस लिख दिया गया, क्या पोयम, ठीक है। देखिए, तो अब यह मुझे किस प्रकार का बनाना है, इस प्रकार का होता है। तो ऐसे लिखने के लिए मैसेज को, या जो मैसेज है इस प्रकार में सेट करने के लिए मुझे किस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ता है? एलिगेंट। क्या बोलेंगे? एलिगेंट। लिख लीजिए एलिगेंट। इस ऑप्शन का प्रयोग डॉक्यूमेंट पेज में टाइप मैसेज को या मुख्य वाक्य को पेज में लेफ्ट, मध्य और राइट पोस्ट में लिख दीजिए, दाएं, मध्य, बाएं, ठीक है, यानी लेफ्ट, मिड या सेंटर बोलिए और राइट बोलिए। सेट करने के लिए, सेट करने के लिए एलिगन का प्रयोग करते हैं, जबकि एलिगन चार प्रकार का होता है। एलिगन कितना प्रकार का होता है? लेफ्ट एलिगन, एलिगन सेंटर, एलिगन जस्टिफाई, एलिगन राइट एलिगन। देखिए एलिगन का लोगो जो होता है ऐसा होता है, में आप किस तरह के जहां भी दिखाई देगा तो आपको क्या समझना है, एलिगन। अब ये जो मैसेज है लिखा हुआ है ना, अब पैराग्राफ आपको मैसेज को तोड़ लेना है और मैसेज को सेलेक्ट यूं ही कीजिएगा, पहले मैसेज को सेलेक्ट कीजिएगा और ये वाला यानी लेफ्ट, ये वाला सेंटर, जस्टिफाई और ये राइट। जिस पर आपके लेफ्ट पर क्लिक कीजिएगा तो मैसेज लेफ्ट में हो जाएगा, यदि मैसेज को सेंटर में कीजिएगा तो ये बिच्छू बीच पे हो जाएगा। जैसे एक दो तीन चार हो गया ना, लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई राइट, ऐसे करके सेट कर लेना होगा। ऐसे पहले स्टेप सीख लेते हैं। पहले आपको मैसेज को क्या करना होगा, सेलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक, होम टैब में जाना होगा, गो इन, पैराग्राफ ग्रुप में जाना होगा, वहाँ पर एलिगन चुनना होगा। क्या चुनना होगा? एलिगन। अब आपको जो भी चूज करना होगा चूज कर लीजिएगा, उसके बाद ओके। आपको लेफ्ट में एलिगन लेना है या सेंटर लेना है या जस्टिफाई लेना है या राइट लेना है, यहाँ चुन लेना होगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा, आपको पेज में सेट हो जाएगा। चलिए, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बता रहे हैं। भाई हम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे कि हम एलिगन को सेटिंग कैसे करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन है तो हम पहले आपको क्लास में बताए थे कि जो भी मैसेज को लिखा जाता है हम इसको एलिगन में सेटिंग कैसे करेंगे।
तो पहले आपको वर्ड पैड को खोलना होगा। यदि आपको कीबोर्ड से खोलना होगा तो विंडोज हाथ दबाइए और आपका लिखना होगा वर्ड पैड WORD। देखिए आपको यहाँ पर वर्ड पैड लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट कीजिए उसके बाद ओके कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आप कंप्यूटर में चलिए मैसेज को हम कंप्यूटर पर सला समोसा लिख लीजिए। इसको साइज बड़ा करने के लिए आपको पिछले क्लास में बताए थे, यदि आपको नहीं समझ में आया तो पिछला क्लास मेरा देखिए। चलिए इसको हम साइज बड़ा करते हैं। अब इसी को क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना जानते हैं ना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देखिए ये कॉपी पेस्ट हो गया। इसको साइज को थोड़ा सा छोटा और करना है तो कर लीजिए। अब इसको एलिगन करना है, क्या करना है एलिगन। तो आप यहाँ से पैराग्राफ लाइनिंग तोड़ लीजिए ताकि आपको और बेटर से समझ में आ जाए। आप जहाँ भी कर्सर ले जाकर एंटर मारिएगा तो ये पैराग्राफ लाइन टूट जाएगा। तो अब इतना जो है ये हम कंप्यूटर पाठशाला समरसा को सेलेक्ट किया, मुझे एलिगन करना है। तो होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ ग्रुप। इस ग्रुप में नीचे आपको ये चार आइकन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई और राइट। इस पर माउस पॉइंटर का एरो निशान ले जाइएगा तो आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम कुछ सेंटर करना था, सेंटर पर क्लिक करेंगे, ये मध्यम हो गया। अब इतना को सेलेक्ट करना है, यदि मुझे राइट में करना होगा तो राइट में कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे नहीं हो रहा तो यहाँ पर देखिए जस्टिफाई कर दीजिए। देखिए यही आपको राइट दिया हुआ है, ये आपको जस्टिफाई दिया है, तो यहाँ से आप राइट पर क्लिक कर दीजिए। समझ गए, अब इसको मध्यम रखना है दो लाइनिंग को, तो यहाँ से बीच में मध्यम करते हैं, उसको सेंटर बोलते हैं। ये जो हमारा पैराग्राफ मैसेज लिखा हुआ है ये ध्यान दीजिएगा कि ये दो पैराग्राफ लाइन के बीच में ज़्यादा दूरी दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये पैराग्राफ ग्रुप में जाना होगा, यहाँ पर आपको एक लाइन स्पेसिंग एक आइकन होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको 1.0 रखना है या 1.15 रखना होगा या दो पर क्लिक करेंगे तो देखिए ज़्यादा दूरी होता है, इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो क्या करना होगा कि आप इस पर क्लिक कीजिएगा, 1.0 करते हैं तो देखिए कम हो गया, और इससे भी ज़्यादा कम चाहिए तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड 10 PTS स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको जस्ट ये पैराग्राफ की लाइन की दूरी जो बीच में है वो सट जाएगा, बात समझ गए। तो ऐसे हम अपने कोई भी मैसेज को एलिगेंस सेटिंग करते हैं और पैराग्राफ लाइनिंग सेटिंग करते हैं। यदि आप लोगों का लाइव समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। अगली क्लास में आपको बताएंगे कि लाइन स्पेस कैसे होता है, डेट टाइमिंग। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।